अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की थी। अब जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये सब पार्टिकल्स तो डिस्कवर हो गए, अब उनकी एटम में अरेंजमेंट कैसे है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रोटॉन है और कहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो इसके लिए सबसे पहले जो काम किया था वो किसने किया था, रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले काम किया था अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिवाइस करने के लिए कि अरेंजमेंट ऑफ सब पार्टिकल्स इन एटम कैसे है। तो इसने एक जो है वो मॉडल पेश किया था जिसको रदरफोर्ड मॉडल कहा जाता है। किस पे बेस करता था, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस करता था, ठीक है। जो है वो इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी इसमें जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। कैसे हुआ था ये अब हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्या किया था रदरफोर्ड ने, क्या किया था सबसे पहले देखें, यहाँ पे जो है वो आपको ये एक पिक नज़र, डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें क्या है कि ये देखें, दिस इज़ अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टी, ये चीज़ क्या है, अल्फा पार्टिकल है, और ये चीज़ क्या है, कोई मटीरियल पार्टिकल है, मटीरियल है यानी गोल्ड फॉयल। उसने क्या लिया था, गोल्ड फॉयल लिया था, गोल्ड फॉयल को उसने टकराया था किससे, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉइल पे। फॉइल का मतलब है बहुत थिन शीट थी, बहुत थिन शीट थी। अब इसमें ये इंडिकेट क्या कर रहा है, जो अल्फा पार्टिकल्स के जो सोर्स लिया था उसने, वो कौन सा लिया था, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव फेज है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने लिया था, और कौन सा एलिमेंट यूज़ किया था, रेडियम या प्लोनियम जो है वो इस्तेमाल किया था। उसने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था कि उसने क्या किया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया, उसको लेड ब्लॉक में रख दिया और उसमें एक सुराख कर दिया जहाँ से क्या आ रही थी, अल्फा रेज आ रही थी। अल्फा रेज के आगे उसने क्या रख दिया, ये गोल्ड की फॉयल जो है वो रख दी, फॉयल गोल्ड की रख दी, जिसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 0.04 जो है वो सेंटीमीटर थिकनेस थी, ठीक है। अब जो है वो आगे जो है वो यहाँ पे, ये आपके पास ये अल्फा रेज का सोर्स है, यहाँ पे गोल्ड फॉयल है, आगे उसने क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी या फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। फोटोग्राफिक प्लेट क्यों रखी, ताकि पता चल सके कि आया अल्फा रेज गोल्ड फॉयल में से पास होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि अगर अल्फा रेज फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराएंगी, तो वहाँ पे क्या होंगे, फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। तो जहाँ जहाँ फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ अल्फा रेज क्या कर रही हैं, उस स्क्रीन से टकरा रही हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये अल्फा रेज गुजर रही है इस गोल्ड फॉयल के में से गुजर रही है, और यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है, उससे टकरा रही है। ये लाइन इंडिकेट क्या कर रही है कि अल्फा रेज यहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है एंगल से, किसी खास एंगल से जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, स्लाइट डिफ्लेक्शन है, और जो है वो कुछ जो है वो अपने रास्ते पे वापस मुड़ रही है, कुछ अपने रास्ते से वापस मुड़ रही है। ये बगैर मुड़े उसमें से गुजर रही है, ये जो है वो मुड़ के वापस जो है वो हो रही है, ये स्लाइटली डिफ्लेक्शन है और ये लार्ज डिफ्लेक्शन है, ठीक है। यानी उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या ली, अल्फा रेज ली, अल्फा रेज को बम्बार्ड किया किस पे, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया। गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी, 0.04 सेंटीमीटर थिकनेस थी, और उसमें से उसको पास करवाया जब उसे बम्बार्ड किया। आगे क्या थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी। अब उसने क्या देखा जो है वो, उसने उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी एक्सपेरिमेंट की, उसने ये देखा कि बहुत सी अल्फा रेज उस में गोल्ड फॉइल में से गुजर गई,
कैसे पता चला? क्योंकि जो है वो जिंक सल्फाइड पे क्या हुए, फ्लैशेस प्रोड्यूस हुए, ग्लो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और कुछ जो है वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई लार्ज एंगल से, और कुछ जो है वो क्या हुई, बैकवर्ड डिफ्लेक्शन हुई, कुछ की क्या हुई, बैकवर्ड डिफ्लेक्शन हुई। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब जो उसकी फाइंडिंग्स, यानी जो है वो इसने इस इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उसने क्या फाइंड किया, जो है वो उसने ये फाइंड किया कि ये जो बैकवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही है, ये बैकवर्ड जो डिफ्लेक्शन है वो किस वजह से है, कि यहाँ पे क्या है, कोई हैवी बॉडी है जिससे टकरा के ये वापस आ रही है, और उस हैवी बॉडी को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया, ठीक है। अब इस जो है वो सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन नहीं थी कि उसमें जो है वो हैवी बॉडी है, बल्कि जो है वो उसने एक इस इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे क्या जो है वो इन्फ्रेंस किया, जो है वो क्या फाइंड किया कि जो एटम है उसमें जो सब पार्टिकल्स हैं वो अरेंज इस तरह से हैं जिस तरह प्लेनेटरी मॉडल में सन और प्लैनेट्स अरेंज होते हैं। ये सन यानी प्लेनेटरी मॉडल अगर देखा जाए, प्लेनेटरी मॉडल में क्या होता है, सन सेंटर में होता है और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, उसके सराउंडिंग में होते हैं। सन स्टेशनरी होता है और प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। यहाँ में भी उसने यही कहा कि जो सेंटर में है वो क्या है, हैवी बॉडी है जिसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस सराउंड है किससे, बहुत से इलेक्ट्रॉनों से जो इसके गिर्द क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जो है वो सेकेंडली क्या कहा कि द एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इस बेस पे जो है वो उसने क्या किया, ये मॉडल पेश किया कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बहुत सी जो है वो अल्फा पार्टिकल्स गुजर गए तो इसका मतलब है उसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, स्पेस है, ठीक है, जो है वो, और जो टकरा के वापस आ गई उससे इंडिकेट होता है कोई हैवी बॉडी है। एक तो ये भी है हैवी बॉडी है, दूसरा जो है वो ये है जो डिफ्लेक्शन हुई थी एक खास जो एंगल से, उससे ये भी इंडिकेट होता है के सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, यानी अल्फा रेस है कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा रही है तो क्या हो रहा है, वो मुड़ रही है, यानी रिपल्शन हो रही है, और रिपल्शन जो है वो किसी एंगल से हो रही है, रिपल्शन किसी एंगल से हो रही है, ठीक है। जो है वो अब जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उनको कंटिन्यूसली एनर्जी भी क्या करनी चाहिए, रिलीज करनी चाहिए, और अल्टीमेटली उनकी एनर्जी इतनी कम हो जानी चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करते न्यूक्लियस में। इसको एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर सका था, लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल की वजह से आगे जो है वो काम करने का मौका मिल गया कि बहुत से जो है वो, यानी एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बिग स्टेप था रदरफोर्ड का, ठीक है। जो है वो अब जो है वो इसमें यही डिफेक्ट था कि इसको जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, या न्यूक्लियस उन पे जो है वो, चूंकि ओपोजिट चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, तो उनको न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के इतने करीब जो आ जाएं कि वो फर्दर मूविंग पोजिशन में ना रहें। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। जब जो है वो देखें, जब वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो डेफिनेटली क्या होंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो करीब आते 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 क्या होगा कि वो न्यूक्लियस में जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। यानी इस तरह से, यानी ये हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और रदरफोर्ड भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए, ये लॉस ऑफ एनर्जी, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन चूंकि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं,
ظاہر ہے جب ہم موو کرتے ہیں ہماری انرجی لگتی ہے، ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے. ہم اب وہ جب یہ کنٹینیوسلی موو کر رہا ہے تو اس یہ بھی کیا کر رہا ہے، انرجی لاس کر رہا ہے. الٹیمیٹلی اس کی انرجی اتنی کم ہو جانی چاہیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، نیوکلیس میں کولیپس کر جانا چاہیے، لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اب اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے بوہرز نے جو ہے وہ ماڈل پیش کیا تھا، پلینکس نے جو ہے وہ ماڈل پیش کیا تھا. نیکسٹ ہے جو ہے وہ پلینکس کوانٹم تھیوری. پلینکس جو ہے وہ سائنٹسٹ تھا اس بیس پہ، اور کوانٹم جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، پیکٹس آف انرجی کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ یہ بھی جو ہے وہ ہیلپ فل رہا ہے ان ڈیسائڈنگ دا اٹامک اسٹرکچر، کیونکہ اسی بیس کو، اسی کی بیس بناتے ہوئے بوہرز نے کام کیا تھا. بوہرز کا ماڈل جو ہے وہ بہت آپ فیملیئر ہوں گے، بلکہ آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوگا. دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا میکس پلانکس جو ہے وہ کیا کہتا ہے. یہ میکس پلانکس تھیوری 1900 میں جو ہے وہ پیش کی گئی تھی. اس میں بیسک جو بات کی گئی ہے وہ ابزاربشن اور امیشن آف ریڈیشنز کے لحاظ سے کی گئی ہے کہ ریڈیشنز کیسے امٹ ہوتی ہیں اور کیسے ابزارب ہوتی ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے، اس کی کچھ جو ہے وہ اس کی تھیوری ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں. وہ کہتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ابزارب یا امٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ کس ڈسکنٹینیوس مینر میں ہوتی ہے، اور ان فارم آف پیکٹس ہوتی ہے، ان فارم آف پیکٹس ہوتی ہے. اور جو انرجی کے وہ پیکٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، کوانٹا کہا جاتا ہے یا کوانٹا کہا جاتا ہے. اور ہر کوانٹا کی جو ہے وہ ڈیفینیٹ اماؤنٹ آف انرجی ہوتی ہے، یا کوانٹم آف کوانٹا کو یا کوانٹم کو فوٹون بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انرجی کنٹینیوس مینر میں ابزارب اور امٹ نہیں ہوتی، بلکہ ڈسکنٹینیوس مینر میں ہوتی ہے، اور ان فارم آف پیکٹس ہوتی ہے. انرجی پیکٹس کو کیا کہا جاتا ہے، فوٹون کہا جاتا ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ جو انرجی ہوتی ہے کسی بھی کوانٹم کی وہ پروپورشنل کس کے ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی کے پروپورشنل ہوتی ہے. نیو یعنی فریکوینسی از پروپورشنل ٹو انرجی آف ریڈیشنز. اور فریکوینسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، فریکوینسی ہے نمبر آف ویوس، نمبر آف ویوس پاسنگ تھرو آ پوائنٹ پر یونٹ ٹائم پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، نمبر آف ویوس پاسنگ تھرو آ پوائنٹ پر یونٹ ٹائم یا پر سیکنڈ. تو ای جو ہے وہ کیا ہوگا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا کس کے، نیو کے. دس از آ فریکوینسی جو ہے وہ، یہ ویلوسٹی اسپیڈ نہیں ہے، ای از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نیو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ پروپورشنلٹی ریموو کریں گے اور کیا ایڈ کریں گے، کانسٹنٹ ایڈ کریں گے. یہاں پہ کانسٹنٹ کون سا ایڈ ہوا ہے، ایچ ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ای از اکل ٹو، ایکویشن کیا بن گئی، ای از اکل ٹو ایچ نیو. ایچ کیا ہے، پلانکس کانسٹنٹ ہے. اسی کے سائنٹسٹ کے نیم کی بیس پہ اس کانسٹنٹ کو کیا نام دیا جاتا ہے، پلانکس کانسٹنٹ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں فرسٹ پوسٹولیٹ کیا ہو گیا کہ انرجی ابزارب اور امٹ کس فارم میں ہوتی ہے، پیکٹس کی فارم میں ہوتی ہے. ان پیکٹس کو کیا کہا جاتا ہے، فوٹون کہا جاتا ہے. ہر فوٹون کی کیا ہوتی ہے، ڈیفینیٹ انرجی ہوتی ہے. اور جو انرجی ہوتی ہے وہ پروپورشنل کس ہوتی ہے، فریکوینسی کے ہوتی ہے. پلانکس کانسٹنٹ ہے، پلانکس کانسٹنٹ کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے، 6.626 × 10⁻³⁴ جول سیکنڈ ہوتی ہے. اور یہی سے جو ہے وہ پلانکس کی کانسٹنٹ کی ویلیو نکالتے ہیں. وہ کیا ہے، پلانکس کو کانسٹنٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کہ اٹ از اے ریشیو بٹوین انرجی اینڈ فریکوینسی آف فوٹون. ریشیو آف انرجی اینڈ فریکوینسی آف فوٹون از نون ایز اے پلانکس کانسٹنٹ. ٹھیک ہے، جو ہے وہ اسی کی کنڈیشن ہے کہ باڈی جو ہے وہ امٹ کرتا ہے، ابزارب کرتا ہے انرجی ان فارم آف کوانٹم، ان فارم آف پیکٹس آف انرجی، ان فارم آف جو ہے وہ فوٹون. ٹھیک ہے، اور فریکوینسی از ریلیٹڈ ٹو ویو لینتھ. یعنی فریکوینسی اور ویو لینتھ کا کیا ریلیشن ہے، وی نیو از اکول ٹو سی بائی لیمڈا.
न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा जो है वो, इफ यू कैन सी, एंड अगर यहाँ पे न्यू की जगह सी बाय लैम्डा लगा देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। मीन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अगर फ्रिक्वेंसी एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ और एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू। ये इंडिकेट कर रही है एच और सी यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टेंट है, एच प्लॉन्क्स कॉन्स्टेंट है, एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो फिक्स है 3 × 10 की रेस 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो, या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो है ई इज इक्वल टू ए सी ओवर लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ, ई इज रिलेटेड टू वेवलेंथ बाय दिस इक्वेशन। यहाँ से वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन इंडिकेट हो रहा है कि अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, इनवर्स रिलेशन है, अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ वेव की करेक्टरिस्टिक है, वेव का पैरामीटर है। वेवलेंथ को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रॉफ जो है वो, या ट्रॉफ कंजेक्टिव क्रेस्ट और ट्रॉफ फॉर एग्जाम्पल जो है वो, वेव को अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दीज टू आर क्रेस्ट ठीक है जो है वो कंजेक्टिव, ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट नहीं है, ये और ये एडजेस्ट है, ये और ये एडजेस्ट है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे ठीक है जो है वो। ये ट्रफ, ट्रफ जो है वो क्या है, ये चीज ट्रफ है, ये वाली ट्रफ है, ये वाली ट्रफ है ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। लैम्डा चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और पिकोमीटर, और बट इसके आपस में एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और पिकोमीटर में क्या रिलेशन है, वन एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है 10 की रेस माइनस 10 मीटर के, वन नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10 की रेस माइनस 9 मीटर के, वन पिकोमीटर किसके इक्वल होता है 10 की रेस माइनस 12 मीटर के ठीक है। इसका मतलब है ग्रेटर द वेवलेंथ लोअर विल बी द एनर्जी, स्मॉलर विल बी द एनर्जी। अनदर करेक्टरिस्टिक्स जो पैरामीटर है टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वेव, दैट इज द वेव नंबर, वेव नंबर एंड वेव नंबर एंड वेवलेंथ are associated with each other by this equation. Mu bar, ये इसको पढ़ेंगे, न्यू बार यानी इसके ऊपर लाइन लगी होती है, फ्रीक्वेंसी को आपने इससे इंडिकेट किया, और जो दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, और दिस इज जो है वो वेव नंबर एंड दिस इज वेव लेंथ। नो एनर्जी इज रिलेटेड टू वेव नंबर, वेव नंबर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेव नंबर एंड लैम्डा, वेव नंबर एंड लैम्डा आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। एक्चुअली व्हाट इज वेव नंबर, वेव जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इन 1 सेकंड ठीक है। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यानी उसमें आप डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी एक पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या होगा, वेव नंबर होगा, और ये किसके रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर इसको जो है वो यहाँ पे एच सी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इकट्ठा करके लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, AC वाला फैक्टर अलहदा कर दिया, 1 ओवर लैम्डा वाला अलहदा कर दिया, तो 1 ओवर लैम्डा क्या है, म्यू बार है, इसकी जगह क्या लगा देंगे, म्यू बार लगा देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल टू एच सी म्यू बार जो है वो। इट मींस एनर्जी एंड वेव नंबर आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, इफ अ वेव हैविंग हाई वेव नंबर इट मीन उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये प्लैंक्स जो है वो इक्वेशन इज इक्वल टू एच सी न्यू बार इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लैंक्स इक्वेशंस है, ये जो है वो आगे बोहर ने इनके इसके कंसेप्ट को यूज किया था अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए।